हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए तो आज मैं बंडा भुइया जिसको बोलते हैं उसकी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस तरह से बनाइए पराठे पूड़ी से आप लोग खा सकते हैं, जैसे एंजॉय करना चाहें। चलिए तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए, इधर मैंने दो बंडे ले लिए हैं, इसको बंडा घुइया बोलते हैं दोस्तों। बताइएगा आप लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा मेरे साथ। हमारे यहाँ बंडा बोलते हैं और कांदू घुइया भी बोलते हैं दोस्तों। ये मैंने दो ले लिए हैं, इनको इनका छिलका उतार लेंगे। उतारने के बाद इनको साबित वॉश कर लीजिएगा, कट करके वॉश मत कीजिएगा दोस्तों, हाथों में खुजली होती है। ठीक है, इसको हटा के हम साइड में रखते हैं। इधर ले लेते हैं प्याज, टमाटर, और एक टमाटर है, दो प्याज हैं, लहसुन की दो कलियां हैं, हरी मिर्च है। इस तरह से आप ले लीजिए, आप कम भी ले सकते हैं, आपके सब्जी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मैंने दो प्याज ले लिए हैं, अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, दो लहसुन की कलियां ले ली हैं, एक टमाटर लिया है, आप दो भी ले सकते हैं। टमाटर से रेसिपी सब्जी की रिच बनती है दोस्तों, इसलिए टमाटर मैं ले रही हूँ। तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभी टमाटर इस रेसिपी में डालने की। आइए तो हम मिक्सी के जार में इसको अच्छे से महीन से पेस्ट बना लेते हैं। आप लोग कट करके भी दोस्तों डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से सब्जी की ग्रेवी में रिचनेस आती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी और टेस्ट भी बढ़ जाता है इससे। तो आप लोग जैसा आप समझें, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में हम लोग कट करके ही कुकर में डाल के छौंक के बच्चों के लिए जल्दी से बना देते हैं, तो वो सब अगर आपको करना है तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग के पास समय हो तो उस हिसाब से मिक्सी के जार में इन सबको कट कर लेंगे। कट करके महीन महीन इसको पेस्ट बना लेंगे। चलिए तो हम पेस्ट बना लेते हैं, फिर चलते हैं अपने। ये देखिए दोस्तों, मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, इसी जार में हम सारे सूखे अपने ड्राई मसाले, जितने हल्दी मिर्चा जो होती है, जो डेली यूज में जो मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च मसाला, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक ले लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना। इसमें हम डाल के 10 मिनट के लिए इसको सोक कर देंगे इसी में। जार को हम रख देंगे साइड में। और इधर आपको दिखाया मैंने बंडा, देखिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। कट करने के बाद हम ले लेंगे कुकर। कुकर में आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें समय लगता है, तो कुकर में अगर बनाएंगे तो ये अच्छे से गल जाएगी सब्जी, नहीं तो समय लेती है। देखिए सोक हो गया है, थोड़ा सा पानी अगर आप डाल के रख दे तो और अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं डाला था, मुझे तुरंत छौंक इसको सब्जी को बनाना था तो मैंने इसी तरह से बनाया है। बाकी मैंने सब्जी फ्राई कर ली है तेल में, सब्जी को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, इसका कलर ब्राउन इसे चेंज हो जाए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्का सा, थोड़ा सा कलर चेंज हो तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसी में हम हल्दी और नमक डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी जो सब्जी है उसमें कलर आ सके। सॉरी दोस्तों, इधर हल्दी मैंने जब डाली थी तो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। सो हल्दी और नमक दोनों चीज़ डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा अपने सब्जी के अकॉर्डिंग, और इनको मिला लेंगे अच्छे से। इसके फ्राई इसको अच्छे से करके फिर इसको निकाल लेंगे हम एक बाउल में, इसी सेम कुकर में। इसी में हम तेल दोबारा से, सरसों का तेल या घी में खाना चाहें, जो आप तेल पसंद करते हैं उस तेल में आप सब्जी बना सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है। सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जी में तेल थोड़ा उसके अकॉर्डिंग पड़ता है मसाले के, ताकि सब्जी हमारी अच्छी बने, टेस्टी बने। आप देख लीजिएगा आपको जैसा चाहिए। डालेंगे थोड़ी सी हींग चुटकी भर, बाकी हम
इधर ले लेंगे। आपको पता है जैसा कि हम अरबी में या बंडा बना रहे हैं तो उसमें सेम चीज़ पड़ती है, अजवाइन है, जीरा है और मेथी दाना है। ये हमने तीनों चीज़ें ले ली हैं। अब हम इसी तेल में क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे और हल्का सा क्रैकल होने देंगे, इनको चटकने देंगे। जो ये जब चटकने लगे तभी हम इसमें दो हरी मिर्च स्लिट करके चीरा लगा के इसमें डाल देंगे। आप छोटा छोटा भी काट के डाल सकते हैं दोस्तों। इधर जो हमारे मसाले सोख हो गए हैं और जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, टमाटर का, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप प्याज और लहसुन ना खाना चाहें, जैसा कि सावन चल रहे हैं दोस्तों, तो आप स्किप कर सकते हैं टमाटर और हरी मिर्च से भी इसको, और अदरक के टुकड़े से आप इसको पेस्ट बना के इसको जिस तरह से मैं छौंका है इस तरह से आप बना सकते हैं, आपको जैसा टेस्ट पसंद है। देखिए मसाला भुन गया हमारा। मसाला भुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से थोड़ी मसल के इसमें डाल देंगे। हालांकि आपको पता है इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला मैंने सारा साथ में डाल दिया था। अब इसको थोड़ी देर थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल के इसको ढक देंगे। बाकी सब्जी भी इसमें डाल देंगे। सब्जी को डाल के हिला देंगे, थोड़ी देर इसको चटकने देंगे। हमारा तेल छूट जाए, तेल छूटने तक इसको थोड़ा भुनने देंगे। भुनने के बाद जो मिक्सी का जार है हमारा उसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे, क्योंकि मसाला लगा था तो वो मसाले को हिला के और उस पानी को हम इसमें, करीब आधा कप पानी होगा हमारा तो हमने इसमें डाल दिया है, इसको मिलाएंगे दोस्तों। और करीब 1 कप के करीब इसमें हम पानी और लगाएंगे, क्योंकि पानी हमारा कम है और 1 से 2 सीटी तक इसको पकाना है हमको, इसलिए पानी हम थोड़ा और लगाएंगे दोस्तों। इसको पहले हिला लें इसको खूब अच्छे से। हिलाने के बाद इसको थोड़ा सा पानी हम 1 कप लगाने के बाद कुकर का लगाएंगे ढक्कन दोस्तों। बनाइएगा दोस्तों इस तरह से, मेरे तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा कि हमने बनाई है और कैसी बनी है। जैसा कि कहा, सावन में बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप प्याज लहसुन से बनाएंगे तभी अच्छी बनेगी सब्जी, सब तरह से अच्छी बनती है। अब इसमें कुकर का हम दोस्तों ढक्कन लगाएंगे। पानी मैंने 1 कप लगा दिया है, ढक्कन लगाने के पास 1 से 2 सीटी आ जाए, जैसा आप कुकर आपका, किसी किसी कुकर में 2 से 3 भी आती है, तो मैंने 2 सीटी लगाई थी। सब्जी मेरी 2 सीटी में बन के तैयार हो गई थी। देखिए 2 सीटी लग गई हैं, सब्जी हमारी बनके तैयार है, लिटपिट वाली। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना है इसमें। अगर आपको राइस के साथ खाना हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये रोटी पूड़ी पराठे के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों इस तरह से बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ये देखिए मैंने सर्व करके दिखाई है आप लोगों को बाउल में, इस तरह से मसाला एकदम कोट हो गया है सब्जी के ऊपर। बताइए दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी मेरी, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धनिया से इसको गार्निश कर देंगे दोस्तों, और पूड़ी पराठा जैसा कि मैंने कहा, आप किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए पराठे के साथ आप एंजॉय कीजिए, इस तरह से बनाइए दोस्तों। ये मैंने थाली आप लोगों के लिए लगाई है, सबसे पहली थाली ये लीजिए दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए, टेस्ट की करके बताइए। प्लीज़ दोस्तों बनाइएगा ज़रूर मेरे तरीके से और शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी दी हुई बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों थैंक यू दोस्तों, मेरे तरीके से बनाइएगा ज़रूर दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।